मॉनसून की दस्तक के साथ ही संकट का भी शुरुआत का एक दौर शुरू हो गया। एक साथ कई राज्य इसकी चपेट में आने लगे, लेकिन सबसे गंभीर असर पहाड़ों पर हो रहा है। विशेषकर उत्तराखंड में तो भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरनाक होता जा रहा है। सभी अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। गंगा नदी के किनारे लगा, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून का संकट आगाह कर रहा है कि सावधान रहे। नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है और अलर्ट कर रहा है कि लहरों से बचे। तबाही मचाने को बेताब सैलाब चेतावनी दे रहा है कि छोटी सी भी चूक हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं मलबा लोगों की मुसीबत बन रहा है। तो पहाड़ों का संकट अब नदियों में उफान के रूप में कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में संकट कैसा है ये आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के बंगा पानी की गोरी नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदियों के किनारे की मिट्टी लहरों में समाने लगी है। पेड़ पौधे उसी लहरों की चपेट में आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी विकराल रूप वाली नदी में समा गई हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना आशियाना छोड़कर जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर चले गए हैं। गोरी नदी के भूकटाव के कारण जगह जगह पर सड़कें नदी में समा गई हैं, जिससे पूरे मुंशारी और धारचूला क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। अलकनंदा में जलस्तर बढ़ा तो मंदिर का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। ऋषिकेश में गंगा नदी भी उफान पर है। वहां पर मार्थ निकेतन में शिव मूर्ति तक लहरें पहुंचने लगी। हालात ऐसे हैं कि गंगा के किनारे कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही बारिश अब तीर्थ नगरी को डराने लगी है। लिहाजा पुलिसकर्मी लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए हैं। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी का रौद्र रूप दिखा। जलस्तर बढ़ा तो आसपास के इलाकों में संकट गहरा गया। फौरन 150 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। निगरानी शुरू कर दी गई ताकि जिंदगी संकट में ना पड़े। जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहली अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइंग एरियाज में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसे ही लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ता है इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके जो पंचमी की धर्मशाला है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहाँ किनारों पर लोगों को जाने से आगाह किया जा रहा है। प्रशासन लाउड स्पीकर के जरिए खतरे से दूर रहने के लिए कह रहा है। गंगा नदी के किनारे में जाए, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का सितम टूटा है। रुड़की के लक्सर इलाके में करीब 20 लोग एक ऐसी ही संकट की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो लहरों के बीच सभी 20 लोग संकट में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू बोट से ऑपरेशन शुरू हुआ और सभी को बचा लिया गया। उत्तराखंड के रामनगर में भी जिंदगी बचाने की मुहिम चलानी पड़ी। वहां कोसी नदी के बीच मौजूद टापू पर दो युवक फंस गए। दोनों नदी के बीच में मछली मारने पहुंचे थे लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां से निकलने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने दोनों की जिंदगी बचा ली। मॉनसूनी आफत की एक तस्वीर ऐसी भी है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के श्रीनगर की हैं, जहां NH-58 पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कई जगह बंद हो गए। इस संकट की वजह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए। उत्तराखंड के चंबा का ये हाल देखिए। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा बारिश की वजह से धंस गया। इस वजह से रूट को बंद करना पड़ा। अभी बारिश की शुरुआत हुई है। मॉनसून अपना असली रंग दिखाने वाला है, लेकिन शुरुआती दौर में ही
ऐसे संकट चिंता बढ़ाने वाले हैं। मौसम विभाग इसके लिए आगाह कर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऋषिकेश की मशहूर शिव प्रतिमा भी बिल्कुल जल के आगोश में समा गई है। सभी नीचे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। जगह जगह पर यह ताकीद की जा रही है कि किसी भी हाल में नदी के करीब न जाएं, नहीं तो ये खतरा बढ़ सकता है। मुश्किल अभी और भी है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट और घोषित कर दिया है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ऋषिकेश आज तक।